नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। अब भारत के बाहर भी बजेगा फिल्म द केरल स्टोरी का डंका। अमेरिका कनाडा में 200 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी। फिल्म को लेकर बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी का बड़ा बयान, कहा फ्री में द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग करना उचित नहीं। उत्तर मुंबई में बीजेपी द्वारा नहीं की जाएगी फ्री में स्क्रीनिंग। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई पुलिस में दर्ज कराया धोखाधड़ी का मामला। सचिन तेंदुलकर के नाम, फोटो और आवाज का गलत इस्तेमाल कर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाने के आरोप में FIR दर्ज। महाराष्ट्र के धुले बस डिपो में भीषण गर्मी के बीच यात्रियों की दिखी भारी भीड़। यात्रियों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं शामिल। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की आज दिल्ली में सगाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी होगी शामिल। द केरला स्टोरी के प्रदर्शन पर लगी रोक के खिलाफ दायर फिल्म निर्माता की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। कहा, जब पूरे देश में दिखाई जा रही है द केरला स्टोरी फिल्म, तब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने क्यों किया है बैन। एलन मस्क ने ट्विटर की नई CEO का ट्वीट करके किया ऐलान। कहा, मैं ट्विटर की नई CEO के रूप में लिंडा याकारिनो का स्वागत करने के लिए हूँ उत्सुक। महाराष्ट्र के परभणी में हुआ दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत। CBI ने समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज किया भ्रष्टाचार का केस। मुंबई दिल्ली समेत 29 ठिकानों पर CBI की छापेमारी। ड्रग्स केस में RN खान को बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में मजबूत हुआ कांग्रेस का हाथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दर्ज कराई अप्रत्याशित जीत। कांग्रेस को मिली 134 सीटें, तो वहीं बीजेपी के खाते में आई 65 सीटें। JDS को 21, तो वहीं अन्य के खातों में आई 4 सीटें। कर्नाटक के रुझानों पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी प्रतिक्रिया। कहा, हम इस चुनाव में अच्छा नहीं कर सके, हम देखेंगे कि कहां हुई चूक। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को दिया आश्वासन। कहा, कर्नाटक के लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद, जो 5 गारंटी दी थी उन्हें करेंगे पूरा। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकानें खुली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बोले राहुल गांधी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, जिस प्रकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके कांग्रेस को बदनाम करने का भाजपा ने किया पाप, जनता ने दिया उसी का परिणाम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद NCP सुप्रीमो शरद पवार का बयान। कहा, जनता ने कांग्रेस पर दिखाया विश्वास, बीजेपी पर जनता का गुस्सा निकला बाहर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद तेज हुई मुख्यमंत्री पद की रेस। कर लिया जा सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए फैसला। UBD सांसद संजय राउत ने किया बड़ा दावा। कहा, कर्नाटक चुनाव का नतीजा आने वाले 2024 के चुनाव का है दिशा दर्शन। 2024 में वही होगा जो कर्नाटक चुनाव में हुआ। खुद का हार देखकर बजरंगबली जी को चुनाव में उतारी थी बीजेपी, लेकिन बजरंगबली का गदा बीजेपी के हिस्सर पर टूट पड़ा। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर UBD सांसद संजय राउत ने साधा बीजेपी पर निशाना। UBD विधायक भास्कर जाधव ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा देश को देगी नई दिशा। भाजपा बचाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, ये कर्नाटक की जनता ने बताया। राहुल गांधी देश का बेहतर तरीके से कर सकते हैं नेतृत्व, जो अनपढ़ लोग सत्ता में बैठे हैं वो देश को पीछे ले जाएंगे आगे नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साधा बीजेपी पर निशाना। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर UBD सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की जीत कर्नाटक में भाजपा की हार नहीं, यह मोदी और शाह की है हार। कर्नाटक के लोगों ने मोदी और शाह को किया खारिज। कर्नाटक विधानसभा के नतीजों पर UBD नेता सुषमा अंधारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, कर्नाटक के नतीजों से एक सबक यह मिला है कि मोदी है तो मुमकिन है जैसी कोई चीज नहीं, नरेंद्र मोदी को भी किया जा सकता है पराजित।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सुषमा अंधारे ने साधा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना, कहा जरूरत ना होने पर भी बजरंग बली का मुद्दा उठाने से भी भाजपा को नहीं हुआ कोई फायदा, महाराष्ट्र में अब एक काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे फडणवीस। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, एसपी बीएसपी और कांग्रेस को हराकर लहराया केसरिया। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने 30 साल के गोल्ड स्मगलर को किया गिरफ्तार, स्मगलर ने निगली सोने की 8 छड़ियां अस्पताल में भर्ती, कथित आरोपी को डॉक्टरों ने खिलाए केले और जुलाब की गोलियां। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुंबई समेत महाराष्ट्र की 25 बड़ी खबरों के लिए YouTube पर इन24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।